घर है आपका ये? कंफ्यूज ये ना, थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेपाली में सोच रहे हैं, इसलिए आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हो। होता है, होता है। तो यार इस टाइम पे ना मैं हरी चौक पे हूँ और फाइनली एक डेढ़ घंटा भैया ना वेट कराया और वेट के बाद गाड़ी आ गई है और ये गाड़ी लगभग एक से डेढ़ घंटा लेगी हमें धामपुस पहुँचाने के लिए। धामपुस पोखरा का सबसे ब्यूटीफुल गाँव है। तो भैया आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये नेपाल में काफी फेमस है, इसको यहाँ पे चटपट बोलते हैं ना। योहाना सब्सक्राइब करके जाना। इस टाइम मैं ना परचुने की दुकान में हूँ, परचुने यानी कि जो राशन वासन मिलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ना परचुने दुकानों में बियर बिक रही है। ऐसा लग रहा है हम महिला डब्बे में बैठ गए मेट्रो के। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हो भाई साहब? जिन्होंने हमको इनवाइट किया हम भी बढ़िया है। प्यारा सा होम स्टे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। इस टाइम मैं नेपाल के पोखरा में हूँ और हम दो दिन से लास्ट पोखरा में थे, आज हम पोखरा से निकल रहे हैं। पोखरा के शहरी इलाके में हम थे, आज हम जा रहे हैं पोखरा के थोड़े गांव साइड में, क्योंकि अगर पोखरा आए और पोखरा को गांव नहीं दिखाया, क्योंकि किसी भी देश का जो कल्चर है ना, किसी भी अगर देश को आप जानना चाहते हो तो उसके आपको गांव में जाना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गांव में रहते हैं और जो असली देश है ना वो गांव में बसता है। तो अगर किसी देश का आपको कल्चर देखना है तो आपको गांव साइड में ही जाना चाहिए। तो आज ना यहाँ पे अगर नेपाल, अगर पोखरा में आप पूछोगे या नेपाल में पूछोगे ना कि नेपाल का सबसे सुंदर गाँव कौन सा, तो यहाँ पर दो तीन गाँव हैं जो नेपाल के काफ़ी फेमस है, तो उन्हीं में से एक गाँव है धामपुस और एक है खारदुंग कुरदुंग। धामपुस और कुरदुंग, अभी हम धामपुस जा रहे हैं, उसके बाद हम लेंगे कुरदुंग के लिए। तो यार पोखरा से ना धामपुस जाने का डायरेक्ट कोई व्हीकल नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है। अगर आपको धामपुस जाना है तो आपको पहले ना हरी चौक जाना पड़ेगा। पोखरा में एक जगह पड़ती है हरी चौक, और यहाँ से हरी चौक जाएंगे, जो पीछे ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो लेना पड़ेगा हरी चौक तक के लिए। बाकी हरी चौक ना उस तरफ है, सीधा आप देख रहे हैं पृथ्वी चौक से सीधा सीधा जाना हरी चौक के लिए। यहाँ का सबसे फेमस एरिया है पृथ्वी चौक, और उस तरफ ना उस तरफ यहाँ पे एक हांगकांग बाज़ार है पृथ्वी चौक के पास में ही, और इस तरफ आप देखोगे ना तो इस तरफ यहाँ पे एक सस्ता बाज़ार करके एक मार्केट है। तो ये दो मेन मार्केट है यहाँ पे पोखरा की। कितने का है पहले प्राइस बता दो? 350। पीछे तो 190 का दे रहे हैं लेकिन उनके पास प्रिंट लिमिटेड ही है। कितने का दोगे आप सही सही बताओ? 300। भैया हरी चौक जाएंगे क्या? अरे भाई आराम से, हाँ आराम से भाई, आराम से ना। हाँ बस, बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू विकास भाई, मेरा नाम भी विकास ही है भाई, मैंने ज्योति से किया। तो यार पृथ्वी चौक से हम लोग निकल रहे हैं हरी चौक के लिए। पृथ्वी चौक से हरी चौक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। हरी चौक हमें पहुँचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी हम हरी चौक पहुँच गए और हरी चौक से अब हमें जाना है धामपुस, और हरी चौक में यहाँ से टैक्सी लगी होती है या बस मिलेगी अब वो पता करते हैं थोड़ा। यार हमें ना धामपुस जाना है। जीप वो वाला जीप है। अच्छा, तो यार धामपुस जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना स्कॉर्पियो खड़ा है, या तो इसमें जा सकते हो, या दूसरा भैया जी बता रहे हैं हमारे यहाँ पे बस आती बस है, का स्टाफ है ये भैया बस के स्टाफ है, और इसमें अगर आप जाओगे ना स्कॉर्पियो में तो 200 रुपये, और अगर आप बस में जाएंगे 150 लग जाओ। कितने में पहुँचे थे पहुँचा देगी? एक घंटा में। अच्छा धामपुस में रहने वहने का होता है क्या? होटल है, कैंपिंग का नहीं? हमारे पास कैंप है, हम अपना कैंप कर सकते हैं। बढ़िया ना, चलो देखा आप वहीं के हो गया? हाँ धामपुस के ही हो? अरे बहुत बढ़िया यार, आपसे मिलकर अच्छा। क्या नाम है आपका? बहादुर। सुख बहादुर, तो बहादुर साहब हमें मिले। बहादुर भैया, बहादुर भैया वहीं के हैं धामपुस के, तो आपसे धामपुस में मिलेंगे फिर। अच्छा आप तो साथ में जाएंगे ना बस में? क्या नाम है योहाना? तो एक बहुत फेमस सिंगर है श्रीलंका की। योहाना सब्सक्राइब करके जाना। तो भैया आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये नेपाल में काफ़ी फेमस है, इसको यहाँ पे चटपट बोलते हैं ना,
और हमारे यहाँ पे इसको भेलपुरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको चटपट बोलते हैं। इस टाइम मैं ना परचुने की दुकान में हूँ, परचुने यानी कि जो राशन वासन मिलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ना परचुने दुकानों में बियर बिक रही है। हमारे यहाँ पे नहीं बिकता ऐसे, हमारे यहाँ पे अगर ऐसे बिकने लगा तो चालान कट जाएंगे, दुकान बंद। यहाँ पे तो लीगल है ना, ये है ना, यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट हो, होटल हो, छोटे छोटे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या ऐसी छोटी छोटी परचुने दुकानें ना, इनमें भी ऐसे ही बिकता है दारू वगैरह या बियर वगैरह। भाई जी आजा आजा आजा, बस आ गई। भैया धामपुस आ जाए, जगह है ना। एक बार भाई मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो भैया लग रहे हैं सेफ से रखे इन्होंने, और कहीं नहीं जाएगा बैग। तो यार इस टाइम पर ना हरी चौक पे हूँ, और फाइनली एक डेढ़ घंटा भैया ने वेट कराया, और वेट के बाद गाड़ी आ गई है, और ये गाड़ी लगभग एक से डेढ़ घंटा लेगी हमें धामपुस पहुँचाने के लिए। धामपुस पोखरा का सबसे ब्यूटीफुल गांव है। अगर आप पोखरा आ रहे हो, और अगर आपको पोखरा रियल में देखना है ना, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को अगर आपको ढंग से देखना है, कंट्री के बारे में जानना है, तो उस कंट्री के गांव में ज़रूर जाना। तो वैसे ना पोखरा का धामपुस गांव यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वहाँ हम चल रहे हैं। तो चल रहे हैं नीचे और बैठते हैं बस में, निकलते हैं धामपुस के लिए। कोई दिन होता है उतार जाना भैया, बस तक पानी से खचाखच भरा हुआ है भाई। ऐसा लग रहा है मेरे को कोई बुक वाली बस में बैठा दिया भाई ने, मेरे को ऐसे लग रहा है कि कॉलेज की या कहीं जा रही है। ये कोई कॉलेज की तो नहीं लग रही है क्या? जैसे आई सोचता संस्था का तो ये बस है। आप लोग टूर पे जा रहे हो उधर? आप लोग किधर के हो? पोखरा के ही हो? पोखरा के लोग भी वहीं घूमने जा रहे हैं, तो अच्छी जगह होगी नहीं? धामपुस आप ऑस्ट्रेलियन मेरे YouTube चैनल में गुमक्कड़ इंडियन ट्रैक करने होली मनाऊं ना, होली अच्छा होता है, वहाँ होली अच्छा होता है। ऐसा लग रहा है हम महिला डब्बे में बैठ गए मेट्रो के, सारी महिलाएं हमारी चारों तरफ। तो यार धामपुस हम पहुंचने वाले हैं, और जो धामपुस पहुंचने का रास्ता है ना यार, काफ़ी टूटा फूटा रास्ता है। इस तरह का रास्ता तो काफ़ी धूल उड़ रही है। मैं ना बस से बाहर आके रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि ना यार बस में ना अंदर चल रहे हैं गाने, आ सकता है कॉपीराइट, तो इसलिए मुझे बाहर उतरना पड़ रहा है। और यहां से ना व्यू देखोगे ना, काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब आगे जाके ना धामपुस में हमें काफ़ी अच्छे व्यू मिलने वाला है। भाई कुछ भाई बच्चे हेलो कर दो, तुम भी हेलो कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अमन। तुम्हारा क्या नाम है? सब्सक्राइबर देखना चैनल पे। तो चलते हैं यार अंदर। ओ भाई करो डांस करो। मैं गाने तो नहीं आऊंगा, लेकिन डांस। चल एक मेरे को नेपाली गाना सुना दे। नेपाली गाना कौन सा सुनाऊं? कोई सा भी सुना दे। फुल बुट्टे साड़ी सुना दो। फुल बुट्टे साड़ी था पक्का पार पछौ मल्ले मल्ले को। ये क्या रैप कर रहा है? नहीं रैप नहीं है। फुल बुट्टे साड़ी था पक्का पहाड़ी पछौ मल्ले मल्ले को कौसी मा बासी ती मिलाई है मन मेरो हल चल हो। तो भैया ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने अभी गाना सुनाया हमें नेपाली में। भाई का छोटू का नाम अमन, और ये निष्पर्व ना भाई, नहीं बहन लड़की है। तुम लड़की हो? नहीं। तुम भी लड़की हो? नहीं। फिर लड़का। पैसा? अच्छा पैसा पकड़ियो रोहित, एक मिनट। बाय बाय, लव यू फ्रॉम इंडिया ब्रो। चलो तो लगभग यार हमको ना हरी चौक से एक घंटा लगा धामपुस पहुंचने के लिए, और जो रास्ते थे ना यार पूछो मत, धूल भरी मिट्टी थी, कच्चे रास्ते थे,
लेकिन जो व्यूज थे ना, व्यू काफी अच्छे थे, लेकिन धूल मिट्टी की वजह से ना व्यू कर करे हो गाड़ी के अंदर व्यू अच्छे थे, गाड़ी के बाहर भी अच्छे थे। गाड़ी के अंदर ज्यादा धूल थी, गाड़ी के बाहर धूल नहीं थी, क्योंकि सारी धूल अंदर आई थी गाड़ी में। और अपना थोड़ा भी होटल जो बस वाला था उन्होंने हमें पीछे रोका, तो अभी हम थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई अच्छी जगह मिलती है ना कैंपिंग की, कैंप करेंगे और किसी घर के आसपास, ताकि थोड़ा ना इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए कैंप के अंदर। हम थोड़ा अपना अगर एक दिन में कैंप कर लिया, हमारा टेंट लाना वसूल हो जाएगा। हम सारा 10 दिन से ना कैंप कैरी कर रहे हैं, कैंप और स्लीपिंग बैग कैरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगाया नहीं हमने कहीं पे भी। और धामपुस में ना अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे रोड अभी प्रॉपर बना नहीं है धामपुस में। पहले तो जिस अभी तुम गाड़ी से आ गए, पहले लोग यहाँ पे ट्रैक करके आते थे, मैंने आपको दिखाया नहीं वीडियो में, नीचे एक ना पुल पड़ता नदी के ऊपर से, वहाँ से पहले ट्रैक स्टार्ट होता था, 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक था पहले। लेकिन अब क्या गाड़ी है तो ऐसे घूम के गाड़ी आ जाती है। तो यार गांव में ना बहुत शांति है, लग रहा है कि गांव है, बिल्कुल शोरगुल नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कोई किसी भी तरह का धूल मतलब धुआं नहीं, पॉल्यूशन नहीं, बस जो भी पॉल्यूशन है वो ऐसे थोड़ा बहुत ये मिट्टी वगैरह का है। तो अभी चलेंगे, आपको लोकल से मिलवाएंगे, धामपुस के लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये गाँव कैसा है, कैसे लोग हैं यहाँ पे। मैं इंडिया दिल्ली, दिल्ली, हाँ जी हाँ जी, फरीदाबाद फरीदाबाद, हाँ जी। और ठीक हो आप? हाँ ठीक हो। जो आप ऊपर जाने हिमल के चढ़ने ही जाने? हाँ हिमल देखने के लिए जाने। हमको गांव देखना, गांव ये गांव देखना। हाँ हमें गांव के लोगों से बात करनी है। अभी तो आप थोड़ा दूर बैठो, हम अभी आएंगे आपसे बात करने के लिए घूम फिर के। अच्छा अंकल जी आते हैं अभी, मिलते हैं। तो भैया ये देखो बुरांस के पेड़, पहली बार मैं कुछ ऐसे बुरांस का देख रहा हूँ पेड़, और इतना बड़ा। थोड़े इसके फूल देखते हैं कैसे होते हैं, इसके फूल खा सकते हैं क्या? ना ऐसे नहीं। तो ऐसा कुछ बुरांस पूरा लाल लाल हो रखा है, और लाइन से बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं पूरे सारे है। ऊपर भी देखो पूरा बुरांस लगा हुआ है ऊपर यार ना। सारा बुरांस ही बुरांस फैला हुआ है। अरे वाह, ऐसा कुछ बुरांस का फूल दिखता है, लेकिन इसका भी काफ़ी महत्व है हमारे यहाँ पे। इसका जूस होता है हमारे उत्तराखंड में ना, काफ़ी फेमस है, और जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। तो अगर कभी आप उत्तराखंड आओ तो बुरांस का जूस ज़रूर पीना, तो ऐसे कुछ होता है बुरांस। तो यार हम ना धामपुस गांव ना एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन है सीन कि देखो हमारे ना इतने सारे बैग टंगे हुए हैं, और हम ना जब नीचे से ऊपर को आ रहे थे ना, तो हमें हरी चौक पे एक भाई मिला था, तो उसने बोला था यार मेरा होटल है, आप ऊपर आना तो मेरे होटल में रुक लेना। हमने कहा ठीक है, तो या तो हम कैंपिंग करेंगे या तो उनके होटल में रुक जाएंगे, बाकी देखते हैं हम कैंपिंग करेंगे, क्योंकि कैंपिंग का प्लान है। कैंपिंग ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग में मज़ा आएगा यार, बाकी देखते हैं। खाना उनके यहाँ से हम खा लेंगे और कैंपिंग कर लेंगे, परमिशन ले लेंगे हम उनसे कि कैंपिंग कर सकते हैं क्या। तो यार अभी हम चल रहे हैं भैया के होटल में, हम ना अभी निकलते चलते चलते ना काफ़ी ऊपर को आ गए थे, तो हम मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनका नंबर लिया था, मैंने कहा भैया हम यहाँ पे आ गए, तो कह रहे हैं यार तुम काफ़ी ऊपर चले गए, नीचे आ जाओ। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये भैया जी हमारे होस्ट हैं, ये हमको होस्ट कर रहे हैं, इनके घर पे आज हम रुकेंगे। इनका घर है या गेस्ट हाउस? क्या आपका होटल है कि वैसी है घर है? होटल है ना, होटल होम स्टे पार्क है ना, मतलब होम स्टे है। क्या नाम है आपका भैया जी? लाली ग्रोस होम स्टे। नहीं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो धनवाल छेत्री। धनवाल छेत्री, धनवाल छेत्री। तो आज छेत्री भैया में मिले और आज इनके हम घर चल रहे हैं, इन्होंने घर मतलब होम स्टे है, तो बिल्कुल गांव के ना बीचों बीच है, गांव के जैसे गांव के बीचों बीच है ना, पूरा गांव वाला फील आएगा। तो भैया बहुत अच्छा आएगा आपको। हाँ भैया हमें गांव घुमाएंगे ना? हाँ ठीक है ठीक है, आज भैया के साथ हम गांव घूमेंगे पूरा, और आपको दिखाएंगे नेपाल का धामपुस गांव। तो भैया ये देखो टोकरी, ये लोग ना ऐसे बर्तन लेके आते हो कैसे? ये आप लेके जा रहे हो इसको? कैसे लेके जाते हो इतना, कितना भारी होता होगा ये? तो ये आप बेचने के लिए जा रहे हो कि किसी के लिए डिलीवर कर रहे हो? बेचने के लिए? अच्छा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बेचते हो? क्या नाम है आपका? राजू। राजू आप यहीं के? बढ़िया 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 लगा आपसे मिलके। आप बिल्कुल ना हम ना धामपुस के बिल्कुल इनर साइड में जा रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच इनका होटल या कम घर बोल लीजिए वो है। और यहाँ के डॉगी बड़े शांत लग रहे हैं, तो अब लग रहा प्रॉपर कि नेपाल के किसी गांव में आए हैं हम। Thank you.
नमस्ते जी। वाव यार काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो कैसे हो आप? कैसे हो? हम भी बढ़िया है। यार ऐसा होम स्टे है ये। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी। क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? घर है आपका ये? कंफ्यूज ये ना, थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेपाली में सोच रहे हैं इसलिए आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हो। होता है, होता है। हेलो 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 उसमें आपने अलग कर दिया आपने अच्छा। हेलो हेलो जी, बकरियां पालते हैं। भैंस भी आपका? भैंस हमारा भी एक भैंस है। हमारी मम्मी पालती है भैंस। तो आप मेरा भी, हम पालते हैं। मेरा भी एक भैंस है। मेरा आप नहीं है। हेलो भैया जी, हमको क्षेत्री भैया हमको रूम दिखाएंगे, रूम देखते हैं। अरे वाह भैया जी, प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छी है। पूरा ये आपने वैसे जैसे हॉस्टल होते हैं उस टाइप का बना रखा है? बहुत बढ़िया वाला। एक ही रूम है मतलब? हाँ। दो बैठ, दो बंदे एक रूम में रुक सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग लोग आएंगे तो ऐसे अलग अलग को एक दे सकते हो आप? दे सकते थे। अच्छा, एक यहाँ इधर इधर इधर। हाँ ठीक है, दस बारह लोग आए ना इस रूम के दे दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, होल 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 करके। तो हमें आप एक जैसे एक ऐसा दोगे ना? ओके ओके, ऊपर ऊपर इनके ऊपर भी रूम है, ऊपर देख के आते हैं। आपका वैसे काफी अंदर है ना, कोई वैसे टूरिस्ट तो अंदर मुश्किल से पहुंचेगा। ये वाला है ना एक ही रूम? एक रूम ये वाला है, एक रूम ये है। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा है। और एक इधर भी है, एक ये रूम है। ये यहाँ पर ऊपर जो डबल रूम लगाया ना मैंने, ऊपर डबल सिंगल वन डबल एंड सिंगल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज आप लोग हाँ यही रूम में बैठने का पड़ेगा। चलो ठीक है। रूम वैसे इसका वो कितना है? इसका हाँ इसका रेट 500 रुपीस। तो ये 500 रुपीस का है ना? ठीक है। और नीचे वाले? नीचे वाले नीचे वाले का प्राइस क्या है? नीचे वाले का ₹400। तो यार काफी किफायती है। तो बाकी की बातें हम आपसे थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा भैया से बातें करते हैं, अपना सामान उतारते हैं, सामान रखते हैं, फिर आपसे और आगे की बातें करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचोगे और पूरी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बाकी चीप कॉस्ट में यार 500 400 मतलब 500 रुपए में दे रहे हैं आपको रूम, और नीचे वाला 400 रुपए में। इतने में आपको कहीं नहीं मिलेगा यार इस इलाके में, धामपुर में, है ना। अगर आप धामपुर में नीचे होटल वगैरह में रुक जाते हैं ना तो आपको 1000 रुपए से कम का रूम नहीं मिलता। नहीं ये थोड़ा बिल्कुल अंदर गाँव में, आपको गाँव वाला फील भी आएगा और आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी में आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी भी सामान उतारते हैं, फिर थोड़ा चाय वाय पीते हैं। ओके, फिर भैया जी। हाँ भैया जी, फिर हमें गांव घुमाएंगे अपना, ठीक है, है ना भैया जी? एकदम एकदम। चलो ठीक है। तो भैया यार ये रूम है हमारा, और रूम काफी मतलब क्यूट सा रूम है, छोटा सा प्यारा सा रूम है। और इनका क्या है ना, इनका ये पुश्तैनी मकान होगा, और इन्होंने अब क्या किया हुआ है ना, जैसे गांव के घरों में क्या होता है, बड़े बड़े कमरे होते हैं, तो इन्होंने एक कमरे को ऐसे डिवाइड किया हुआ है और उसमें 3-4 कंपार्टमेंट बनाए हुए, और ऐसे ना बीच में ना वुडन का ऐसा पार्टीशन किया हुआ है इस तरीके से। और जैसे एक रूम हमारा है ना, वैसे एक रूम इधर भी है, ठीक है, एक रूम इधर भी है इस तरीका। और यहाँ से देखो, यहाँ से इनका विंडो लगा हुआ है, और यहाँ से ऐसा है। और सबसे अच्छी बात ये ना कि यार आदमी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत फ्रेंडली है, उनकी वाइफ भी काफ़ी फ्रेंडली है, और वो जो भैया है ना वो भी बड़े फ्रेंडली हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग मतलब पहाड़ के लोग ना फ्रेंडली होते हैं। बाकी अभी हम अपना सामान उतारते हैं, और भैया को भी एक चाय बोला है, वो चाय लाते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आपको ना हम पूरा गाँव घुमाने वाले। तो अपना नेक्स्ट व्लॉग में आपको हम पूरा गाँव दिखाएंगे, और आपको ना पूरा धामपुर गाँव दिखाएंगे, और भैया के जो यार दोस्त होंगे ना उनसे मिलेंगे, भैया से बातें करेंगे, भैया की फैमिली से बातें करेंगे। रात में हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या खा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना, नेक्स्ट व्लॉग आपको काफी मजेदार मिलने वाला है। तो अभी चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग में धामपुर गांव में।